सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरोहित यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सैमसंग के दो अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में। तो सैमसंग का दो स्मार्टफोन बहुत ही जल्द आप लोगों को लॉन्च होते हुए दिखने वाला है और ये दोनों स्मार्टफोन है सैमसंग का F12 और सैमसंग का M12। हालांकि नाम में कन्फ्यूजन है, लेकिन जहां तक लग रहा है कि ये स्मार्टफोन एक ही होगा, लेकिन अलग अलग सीरीज में अलग अलग नाम से यहां पर सैमसंग लॉन्च कर सकता है। तो भी आप लोगों को पता है कि सैमसंग ने अपना एक नया मिड रेंज सीरीज अनाउंस किया है, जो कि सैमसंग का F सीरीज और उसका पहला स्मार्टफोन F41 M31 का रिब्रेंडेड था। लेकिन अब सैमसंग अपने F सीरीज में दूसरा स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन उससे पहले शायद आपको सैमसंग का M12 या फिर सैमसंग के M सीरीज में इसका नाम चेंज होकर सैमसंग का M62 भी यहां पर हो सकता है। तो सबसे पहले ये स्मार्टफोन सैमसंग के M सीरीज के अंदर लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद सैमसंग इसी स्मार्टफोन को रीब्रांडेड करके और कुछ चेंजेस, माइनर चेंजेस करके अपने F सीरीज के अंदर यहां पर लॉन्च कर देगा। तो जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से सैमसंग का ये एक मिड प्रीमियम स्मार्टफोन होगा। तो ये नहीं कि कोई मिड रेंज स्मार्टफोन होगा और मिड रेंज हिसाब से यहाँ पर सैमसंग स्पेस प्रोवाइड करेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। सैमसंग का जो M12 आएगा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको प्रीमियम फीचर्स, यानी कि एक M सीरीज का ये प्रीमियम स्मार्टफोन हो सकता है और इस स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग है वो भी 30,000 के आसपास यहाँ पर होने वाला है। यानी कि आप लोग उम्मीद लगा सकते हैं कि शायद ये स्मार्टफोन में एक अच्छा खासा पावर सैमसंग हमें प्रोवाइड करेगा। जो डिस्प्ले है वो तो निकल के सामने आ चुका है कि 6.7 इंचेस का 1080p सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिलेगा। इन्फिनिटी ओ शेप में सेंटर में पंच होल डिस्प्ले मिलेगा। बैक साइड में 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा का सेटअप मिलेगा। 7000mAh की बैटरी मिलेगा। बस इतना ही इस फोन के बारे में अभी पता चला है। और ये जो स्मार्टफोन आएगा, इसकी जो प्राइसिंग है वो 25 या फिर 30,000 के आसपास हो सकता है। मतलब 25 से 30,000 के आसपास सैमसंग इसे लॉन्च करेगा। लेकिन आप देखते हैं कि कौन सा SoC यहाँ पर सैमसंग इस्तेमाल करता है। क्या सैमसंग अपना नया एक्जिनोस का चिपसेट देता है या फिर वही पुराना क्वालकॉम का 730G या फिर 720G देता है। सैमसंग ने M51 में 730G दिया, जिसकी प्राइसिंग 25,000 रुपीज़ है। तो अगर उम्मीद करते हैं तो शायद यहाँ पर आप लोगों को कुछ उससे बेहतर SoC हमें प्रोवाइड करे सैमसंग। ये तो आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। लेकिन जहाँ तक लग रहा है कि सैमसंग का F12 और सैमसंग का M12 आप लोगों को बहुत ही जल्द यहाँ पर देखने को मिलेगा। जहाँ तक चांसेस है कि आप लोगों को नवंबर के एंड तक इन दोनों फ़ोन के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ अपडेट मैं दे दूंगा, और शायद नवंबर के एंड तक या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक तक ये दोनों स्मार्टफोन लॉन्च भी यहाँ पर सैमसंग कर दे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि सैमसंग क्या कर सकता है इन नए स्मार्टफोन के साथ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 5G क्या सैमसंग को आज के टाइम में दे देना चाहिए, क्योंकि Redmi के Note 9 Pro सीरीज में भी बताया जा रहा है कि 5G वेरिएंट्स यहाँ पर आने वाला है। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।